जय जगन्नाथ, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल सोनी के चैनल लाइफस्टाइल में। आज हम बनाएंगे ब्रेड से एक नई और वायरल रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड पॉकेट। आप शाम को नाश्ते में चाय के साथ इसको बनाइए और सबके साथ खाइए। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब शुरू करेंगे आज की ये स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड पॉकेट। इसको बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ऐड करेंगे दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन नहीं जाता है तब तक हम इसको भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को डालने के बाद हम इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम प्याज को भूनेंगे। हमारा प्याज भून चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे छोटे छोटे बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। कैप्सिकम को हम थोड़ी देर भूनेंगे। इसको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पत्ता गोभी, जो भी स्लाइस पे लंबे लंबे काट कर रखे, इसको हम डालकर थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने से ये जल्दी पक जाएगा। फिर उसको हम थोड़ी देर चलाएंगे। इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला, इन सभी चीजों को डालने के बाद इसको फिर से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर सारे मसाले पक जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू। यहाँ पे हम डाल देंगे 3 उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप आलू की जगह पनीर भी डाल सकते हैं। अब हम लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इसको भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर इसको भूनने के लिए छोड़ देंगे, जिससे आलू मसाला सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देंगे, जो कि बच्चे लोगों को बहुत पनीर पसंद है ना, इसीलिए हम इसमें पनीर डालें। पनीर डालकर उसको अच्छे से मिलाकर थोड़ी देर भूनेंगे। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम चटपटा के लिए थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद फिर से हम इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे और पकाएंगे। अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इसके लिए हम बनाएंगे अभी स्लरी, जिसके लिए हम एक बाउल में लेंगे कॉर्नफ्लोर, जो कि 3 या 4 बड़े चम्मच है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा ओरिगानो और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अब डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इन सभी चीजों को डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी डालकर अच्छे से मिलाएंगे। देखिए हमारा स्लरी भी बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी है। पतला स्लरी हमको चाहिए, मोटा नहीं चाहिए। अब इसके लिए हम लेंगे ब्रेड। ब्रेड को हम बेलन के सहारे अच्छे से इसको बेलेंगे। देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ, आप इसी तरह से ब्रेड को रेडी कीजिए। मैं यहाँ पर 4 ब्रेड को रेडी कर चुकी हूँ। अब इसमें हम लगाएंगे जो मोमोज के चटनी में घर पे बनाई थी, उसको मैं थोड़े से ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। सारे ब्रेड में एक तरफ से ये चटनी लगा लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे स्टफिंग को, जो हमारा मसाला बनकर रेडी हुआ है। 1 चम्मच हम इसमें मसाला रखेंगे चटनी के ऊपर। सारे ब्रेड में मैं 1 चम्मच लगे मसाला रख रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से रोल करेंगे। देखिए मैं जैसे दिखा रही हूँ, अब इसी तरह से रोल कीजिए। और जो लास्ट पार्ट है उसमें हम थोड़ा सा स्लरी लगाकर चारों तरफ से ब्रेड को अच्छे से बंद कर देंगे। आप आराम से ब्रेड को कीजिए, नहीं तो ब्रेड टूट जाएगा, बहुत सॉफ्ट होता है, इसीलिए आप आराम से इसको चारों तरफ से बंद कीजिए। देखिए ये हमारा ब्रेड पॉकेट रेडी हो गया है। इसी प्रोसेस में आप सारे ब्रेड का पॉकेट
बनाकर रेडी कीजिए। देखिए यहाँ पे दूसरा ब्रेड को भी मैं फोल्ड करके इसे रोल करके इसे चिपका दिया और पॉकेट बनकर रेडी हो गया। अब इसको हम फ्राई करने के लिए पहले हम ब्रेड के पॉकेट के ऊपर जो कॉर्नफ्लोर का स्लरी है उसको हम चारों तरफ से चम्मच के सहारे अच्छे से कोट कर देंगे। इसको कोट करने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स के ऊपर उसको हम रखेंगे और चारों तरफ से ब्रेड क्रम्स से उसको कोट कर देंगे। इसी प्रोसेस में आप सारे पॉकेट को ऐसे स्लरी में डुबाइए और ब्रेड क्रम्स से कोट करके एक प्लेट में रख दीजिए। ये दूसरा ब्रेड पॉकेट भी ब्रेड क्रम्स से कोट होकर रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम डाल देंगे तेल। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ब्रेड पॉकेट को। एक एक करके यहाँ पे मैं ब्रेड पॉकेट को फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है तो आप अपने बच्चों के लिए ये ब्रेड पॉकेट बनाइए और सबको बहुत पसंद आएगा। ये एक अनोखा स्नैक्स है, आप इसको बनाएंगे तो सब आपके तारीफ करेंगे। देखिए एक तरफ हमारा फ्राई हो चुका है, उसको हम एक चम्मच के सहारे धीरे पलटेंगे। सारे ब्रेड पॉकेट को यहाँ पे मैं पलट कर रही हूँ। अब देखिए सारे हमारे ब्रेड पॉकेट फ्राई होकर रेडी हो गया है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तैयार हो गया ना हमारा ब्रेड पॉकेट। अब हम दूसरा बैच को भी फ्राई करेंगे। देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है और प्लेटिंग भी बहुत अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत क्रंची और क्रिस्पी था। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस रेसिपी का सारे इंग्रेडिएंट्स आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। देखिए अंदर से कितना टेम्पटिंग मसाला दिख रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।